Assalamu alaikum, class second. Good morning. How are you all? Everybody is fine? Very good. And aap log kaam kar rahe hain ki nahi ghar mein? Very good. Sare kaam kar rahe hain. That's like a good class. Okay, class second. Right now we are going to start our math class, okay? Which one class? Math class. Yes, very good. So first of all, I request you all to take out your math book, okay? Which one book? Math book. Yes. Now you all have your math book. Now open your page number 27. Good. There is a topic of addition. We have already done question number 1, 2, and 3. Right, on page number 26 and 25. Right now, what we will do? We will start page number 27. So, I request you all to open your book, page number 27, and take out your pencils. Okay, class second, we have to start our work. Okay, class second, so you all take out your book, page number 27. Okay. राइट यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चे हमने एडिशन करनी है दिस साइन इज ऑफ एडिशन राइट ओके सो दिस साइन इज ऑफ एडिशन हमने एडिशन करनी है आंसर को फिर हमने यहाँ वंस और टेंस के नीचे अकॉर्डिंगली लिखना है ठीक ठीक कौन सा नंबर वंस है तो वो वंस के नीचे आएगा और कौन सा नंबर टेंस है वो टेंस के नीचे आएगा ठीक है मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास है 8 + 4 हमारे पास आता है 12 सही है अब 12 में ये जो 2 है वो 1s है तो मैंने 1s के नीचे लिखा है और ये वाला जो है ये 10s है तो मैंने 10s के नीचे लिखा है ठीक है अब देख ले यहाँ पर भी एक 12 लिखा हुआ है ना बट उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल कंजेस्टेड लिखा हुआ है एक दूसरे के साथ तो वो गलत है क्योंकि ये 1 क्या है ये 1 यहाँ पर होना चाहिए 10s के नीचे जो जैसे हमने लिखा है ठीक है फिर है हमारे पास 7 + 8 आता है हमारे पास 15 ठीक है 15 में से 5 वंस है तो मैंने वंस के नीचे लिखा है और 1 जो है वो टेंस है तो वो मैंने टेंस के नीचे लिखा है ठीक है फिर यहाँ पर है 6 + 7 आता है हमारे पास 13 तो 13 में से 3 मैंने वंस के नीचे लिखा है और 1 जो है वो टेंस के नीचे लिखा है क्योंकि वो टेंस है सेम यहाँ पर 5 + 9 है वो हमारे पास आता है 14 के बराबर तो मैंने क्या किया है 4 को मैंने यहाँ पर लिखा है वंस के नीचे और 1 को मैंने लिखा है टेंस के नीचे ठीक है अब ये 4 क्वेश्चंस तो आपको मैंने करके दे दी है दैट वाज वेरी सिंपल सेम ये नीचे वाले 4 क्वेश्चंस भी हैं अब आप लोगों ने खुद काउंटिंग करनी है जब आप लोग खुद काउंटिंग करेंगे तो अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आता ना सो आप लोग क्या करेंगे लाइक मेरे पास यहाँ 5 है तो आप लोगों ने पहले 5 लाइन ड्रॉ करने हैं ठीक है फिर यहाँ पर 7 है तो फिर आप 7 लाइन ड्रॉ कर लें और फिर उसको कंबाइनली काउंट कर लें लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आंसर आया है 2 वंस है और 1 टेंस है तो आपको उसको वंस और टेंस के नीचे अकॉर्डिंगली लिखना है ठीक है फिर ऐसे ही आप 9 के साथ 2 प्लस कर लें 7 के साथ 9 प्लस कर लें 4 के साथ 7 प्लस कर लें जो आंसर आता है वो आंसर पहले यहाँ पर अपने लिए लिख लें और फिर आपने उसमें देखना है कि पहला वाला नंबर जो है वो हमेशा वंस के नीचे लगेगा और दूसरा वाला नंबर कहाँ पर लगेगा वो टेंस के नीचे लगेगा ठीक है क्लास सेकंड सो दिस इज़ योर पेज नंबर 27 उस पर ये वाली क्वेश्चंस है हाफ मैंने कर ली है और हाफ आप लोगों ने करने हैं और जैसे मैंने प्रॉपरली लिखा है सेम आप लोगों ने भी प्रॉपर लिखना है और फिर सेम क्वेश्चंस को आपने नोटबुक में भी प्रैक्टिस करना है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास है कि हेल्प आदिल पुट हिज ब्लॉक्स इन 10 and 1 आदिल इज़ अ किड आपका आपकी फ्रेंड है आदिल उनको अपने ब्लॉक्स जो है वो अरेंज करने हैं और हम लोगों ने इसको क्या करना है आदिल को हेल्प आउट करना है ठीक है आदिल ने देखे यहाँ पर है हमारे पास 1 10s है और यहाँ पर 11 1s है यहाँ पर आदिल ने जो 10 1s है ना उससे एक और ब्लॉक बनाया है तो अभी उसके साथ 2 10s है और 1 10s है 1 1s है तो 2 10s और 1 1s जो है वो क्या बनाता है 21 बनाता है ठीक है फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 ब्लॉक है और यहाँ पर 16 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं तो वो हमने लिखा है फिर उनके यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 6 है तो मैंने वो 6 लिखा है अब 2 10s किसके बराबर है 20 के बराबर है तो 20 and 6 तो 26 इसका आंसर हो गया फिर यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है यहाँ पर 14 है काउंट कर लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि 14 है फिर यहाँ पर 1 2 3 है तो 3 उसने अरेंज की है और यहाँ पर 4 अरेंज की है तो 30 and 4 34 ये 3 ब्लॉक्स कितने के बराबर हैं 3 10s है तो मतलब 3 10s आर 30 तो ये 30 के बराबर हैं
फिर यहाँ पर फोर ये ब्लॉक्स हैं और ट्वेल्व ये है, फिर यहाँ पर ये है फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, तो मैंने यहाँ पर फाइव लिखा है और टू जो है वो वंस है तो यहाँ पर आ गए हैं। अब फाइव टेंस कितने के बराबर है, फिफ्टी की, एंड फिफ्टी एंड टू फिफ्टी टू, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि देखें ये ए है बी है सी डी फोर ग्रुप्स हैं, इन्होंने कहा है विच ग्रुप इज द बिगेस्ट, ठीक है। अब जो नंबर बड़ा होगा वो सबसे बिगेस्ट ग्रुप होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 52, 52 कौन सा ग्रुप है, डी ग्रुप, तो मैंने डी लिखा है, ठीक है। फिर है विच इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, अब जो नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होगा इनमें से सब कौन सा स्मॉलेस्ट क्या है, 21 सबसे स्मॉल है, तो 21 हमारे पास क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट, राइट। सो दिस वॉज योर पेज नंबर 20। अच्छा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये पेज 28 और पेज नंबर 27 जो हमारे पास है इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, प्रॉपरली लिखना है नोटबुक में भी और बुक में भी, ठीक है, ताकि आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए वन डिजिट एडिशन की, ठीक है। आपके पास ये बताइए, आप लोगों को मैंने पिछले हफ्ते करवाया था और आप लोगों को मैंने कहा था कि जो जो पार्ट्स खाली है वो आप लोग कर लेंगे, अगर आप लोगों ने किया है सो वेरी गुड, और अगर नहीं किया है तो इस हफ्ते कर लें, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते पर हम क्या करेंगे, हम टू डिजिट नंबर की एडिशन स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी लिटिल मतलब इसी की तरह होगा, बट यहाँ पर सिंगल सिंगल डिजिट है, फिर यहाँ पर टू टू डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो हम वो सीखेंगे और फिलहाल के लिए आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है क्लास सेकंड। सो आप लोग काम करें, टाइम पर काम करें, अपना ख्याल रखें और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।